अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली, लॉकेट चटर्जी, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिनको बंगाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस वक्त बवाल हो रहा है। छात्रों के नबना मार्च के दौरान शुरू हुआ बवाल आज भी जारी है। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया, जिसके बाद एक बार फिर बंगाल विरोध प्रदर्शन की आग में सुलग उठा। बीजेपी के बुलाए गए बंद के दौरान बंगाल में हालात खराब होते जा रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, तो एक जगह बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हो गई। भाटपाड़ा में फायरिंग वाली जगह से पुलिस को देसी बम भी मिला है। इसके अलावा आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं भी कई जिलों से सामने आ रही है। इस बीच बंगाल पुलिस बीजेपी के उग्र प्रदर्शन को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को तो हिरासत में लिया ही जा रहा है, साथ ही साथ बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली और लॉकेट चटर्जी जैसे दिग्गज बीजेपी नेता पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने बवाल के बाद उन पर ये एक्शन लिया है। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। उन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि जितना ज्यादा लोग हिरासत में लेंगे, उतने ज्यादा लोग विरोध में शामिल होंगे। ये लोगों का गुस्सा है और वो सड़क पर है। पुलिस लोगों को हिरासत में ले सकती है, लेकिन विचार को नहीं। ये जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहे, दिल से समर्थन कर रहे, आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है। हम लोग जनता के साथ है। बंगाल में लॉ कुछ नहीं है और एक महिला हो के महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हावड़ा में बीजेपी समर्थकों के हल्ला बोल के चलते पुलिस ने 15 बीजेपी समर्थकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन हिरासत में लेने के बाद भी बीजेपी समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।